नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। लड़की को ले जाने आए लड़के वाले नहीं माने तो कर दी फायरिंग, मौके पर गाड़ी छोड़ हुए फरार। सोलन के शमलेश में ऑटो ट्रक की जोरदार टक्कर, एक व्यक्ति को आई मामूली चोटें। भूस्खलन के कारण शिमला टूटीकंडी खलीनी बाईपास रोड बंद, घंटों लगा रहा जाम। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में मंडी में माकपा का प्रदर्शन, जमकर लगाए नारे। शरद नवरात्र के लिए तैयार होने लगा कांगड़ा, दुकानदारों को तहबाजारी समेटने के निर्देश। मोबाइल के चक्कर में खेलों को भूले हिमाचली बच्चे, अब सिर्फ प्रवासियों के डेरे में ही दिखती हैं ऐसी गेम। और अब खबरें विस्तार से। थाना इंदौरा के तहत गांव पनियाला में गुरुवार रात गुज्जर समुदाय के बीच गोलीबारी की वारदात पेश आई है। गोलीबारी के बाद आरोपियों का पीछा किया गया, लेकिन मोहटली रैंप पर फाटक बंद होने के कारण आरोपी अपनी गाड़ी छोड़ भाग गए। बता दें, बीते दिनों गांव पनियाला में रहने वाले गुज्जर समुदाय की नाबालिग लड़की को जम्मू का युवक बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, जिस पर लड़की पक्ष वालों ने थाना इंदौरा में युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने लड़की को वापस लाकर परिजनों के हवाले कर दिया और कई दिनों से पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। वहीं गुरुवार रात को आरोपी पक्ष के कुछ लोग देर रात गांव पनियारा लड़की के घर आधम के और तीखी नोक झोंक के बाद उन्होंने लड़की वालों के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। किसी तरह लड़की वालों ने अपनी जान बचाई और इंदौरा पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी का पीछा किया, लेकिन आरोपी गाड़ी को छोड़ मौके से फरार हो गए। सुनने में आया गोली कांड वगैरह कुछ हुआ है, तो इसका बारे में जनाब थोड़ा बताएंगे क्या मामला हुआ है? ये घंडरा पंचायत के चंदोही एरिया पड़ता है, खड में। यहाँ पे 5-6 डेरे जो हैं गुजरों के हैं, अस्थाई डेरे जो पंजाब गुरदासपुर साइड से आए हुए हैं। एक गुजर परिवार है जिसकी बेटी पिछले 24 तारीख को यहाँ से कोई अगवा करके ले गए थे, जैन के गुजर हैं वो, जिसे रिकवर करके लाए थे हम लोग पुलिस वहाँ से। अभी कल रात को कुछ दो लोग इस डेरे के आसपास पाए गए, किसी को दिखे इन इस परिवार वालों को। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने हवा में गोली चलाई और भाग गए, दो गाड़ियों में थे। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उनको चेस किया, मोटली के पास एक गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं, गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। और ऐसा इन्होंने बयान किया है कि वो लोग फिर से वही लोग थे जो इस लड़की को दोबारा से अगवा करने के लिए आए थे। अप्रोप्रिएट सेक्शंस के तहत जो मामला दर्ज किया है, इसमें आप सेक्ट भी लगाया है। पुलिस की जांच जारी है, दोषियों को तलाशा जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा जल्द से। सर, सुनने में आया अभी मोटली रैंप के ऊपर भी गोली का ऐसा कुछ हुआ है कुछ? मोटली रैंप पे गोली का नहीं है, मोटली रैंप पे गाड़ी छोड़ के वो लोग डेरे का फायदा उठा के भाग गए थे, उसका जिसको चेज कर रही थी पुलिस पार्टी SHO इंदौरा, छोड़ के। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन के समीप शमलेश में एक ऑटो और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से मुड़ गया। हालांकि इस दौरान कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, वहीं इस टक्कर ने ऑटो को भी हल्का नुकसान पहुंचाया है। इस हादसे में एक व्यक्ति को हल्की चोट आई है, जिसका उपचार करवा दिया गया है। शिमला टूटीकंडी खलीनी बाईपास सड़क पर लाल पानी के पास भूस्खलन होने के कारण सड़क बंद हो गई है। फिलहाल बाईपास में लंबा जाम लगा हुआ है, प्रशासन ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। शिमला में हो रही लगातार बरसात से सितंबर माह में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में शिमला और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, वहीं लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप भी निकाल के ना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मंडी सदर कमेटी द्वारा शुक्रवार को सेरी चाननी में
धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिवालय सदस्य सुरेश सरवाल ने कहा, यह धरना प्रदर्शन मुख्यतः देश में बढ़ रही बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में किया गया है। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा सरकार ने जो वादे युवाओं के साथ किए थे, वे उन्हें पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले वर्तमान सरकार कहती थी कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, मगर ये सभी नारे खोखले साबित हो रहे हैं, उल्टा रोजगार छीना जा रहा है। उन्होंने कहा, यदि समय रहते इन समस्याओं को हल नहीं किया गया तो आने वाले समय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उग्र आंदोलन छेड़ेगी। कि मौजूदा समय के अंदर जो महंगाई है उसको कम किया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए, रसोई गैस जो 1100 रुपए से ऊपर चली गई है उसके दाम भी कम किए जाए, और खासकर जो आज खाद्य वस्तुएं हैं उन खाद्य वस्तुओं के दामों को भी जो कम किया जाए, और सभी जो बेरोजगार युवा हैं उसको स्थायी रोजगार दिया जाए। नहीं तो आज रोजगार का स्वरूप बदल दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद जो है हमें पेंशन मिलेगी, मगर अब नौकरी खत्म हो रही है। अब ठेके पे जो नौकरी दी जा रही है तो ठेके के बाद ना ही कोई पेंशन होगी, ना कोई पक्का रोजगार होगा। तो इसी चीज को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है आज धरना प्रदर्शन कर रही है और सरकार को चेता रही है कि अगर आपने वक्त रहते ही हम जनता की जो दुख तकलीफ है उसको हल नहीं किया गया तो आने वाले समय के अंदर और उग्र आंदोलन होगा। इसी बात शक्तिपीठ माता श्री वज्रेश्वरी मंदिर में लगने वाले शरद नवरात्रों को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसके चलते एसडीएम कांगड़ा नवीन तंवर व डीएसपी कांगड़ा मदन धीमान के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने शहर का दौरा किया। नेहरू चौक से लेकर मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित सभी दुकानदारों को नवरात्र से पहले पहले दुकानों के बाहर लगे सामान को हटाने के आदेश जारी किए। प्रशासन के इस अभियान में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे तथा उन्होंने भी उन तमाम दुकानदारों को सामान हटाने के आदेश जारी किए जो कि पिछले लंबे समय से सड़कों पर सामान लगाकर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। हिमाचल के युवा डिजिटल मोबाइल के चक्कर में पुराने खेलों से किनारा कर रहे हैं, लेकिन प्रवासी बच्चे आज भी खड्डों नालों के किनारे लुप्त होती जा रही खेलों को तरोताजा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया भरवाई समनोली मार्ग पर देखने को मिला। यहां झुग्गियों के नजदीक प्रवासी बच्चों ने एक खेल मैदान बना रखा है। ये बच्चे रोजाना शाम को यहाँ ऐसी खेलें खेलते हैं जो खेल कभी हिमाचली युवाओं की पहली पसंद होते थे। यह प्रवासी बच्चे बिल्लौर से निशाना लगाना, खो खो, कबड्डी, लुका छिपी आदि का भरपूर आनंद उठाते हैं। उधर ज्यादातर हिमाचली युवा इन गली मोहल्लों के खेलों को भुलाकर मोबाइल में समय लगाकर अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।